सर्वेषां भवतां नमो नमः। आज मेरे व्याख्यान का विषय आगमन के विभिन्न चरण अथवा सोपान है। आगमन का उद्देश्य सामान्य वास्तविक तर्कवाक्य की स्थापना करना है। सामान्य वास्तविक तर्कवाक्य की स्थापना का आधार प्रकृति समरूपता नियम और कार्यकारण नियम है। आगमन द्वारा सामान्य वास्तविक तर्कवाक्य की स्थापना एकाएक नहीं हो जाती है, बल्कि आगमन अपने निष्कर्ष पर विभिन्न सोपान के माध्यम से पहुंचता है। इन्हें आगमन के सोपान, विधियां या प्रक्रियाओं के नाम से जाना जाता है। आगमन के सोपान के माध्यम से प्रकृति की घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंध की खोज की जाती है। इस जटिल कार्य को सरल एवं सुनिश्चित बनाने के लिए तर्कशास्त्रियों ने सुपरिभाषित एवं निश्चित सोपानों को स्वीकार किया, जिसके द्वारा विशेष तथ्यों से सामान्य नियमों की स्थापना की ओर अग्रसर होते हैं। आगमन के विभिन्न सोपान हैं। पहला, परिभाषा। परिभाषा आगमन का प्रथम सोपान है। इस विशाल प्रकृति की सभी घटनाओं का ज्ञान हमें नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुष्य एक सीमित प्राणी है। अतः किसी वस्तु या घटना के निरीक्षण से पहले उस वस्तु या घटना की परिभाषा जानना आवश्यक है। परिभाषा का अर्थ है उस वस्तु या घटना के संबंध में जानना। घटना के कार्य के आधार पर कारण को निर्धारित करना ही परिभाषा कहलाती है। आम के स्वाद को जानने के लिए सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि आम नाम का वस्तु क्या है तथा वह किस प्रकार का होता है। अतः आगमन में सामान्य नियम की स्थापना करने से पहले परिभाषा जानना आवश्यक है। दूसरा, निरीक्षण। यह अनुमान का दूसरा सोपान है, जो परिभाषा के ज्ञान के बाद आरंभ होता है। घटना या वस्तु का ज्ञान होने के बाद हम उसका निरीक्षण करते हैं। आगमन में कुछ उदाहरणों का निरीक्षण कर ही सब के बारे में अनुमान किया जाता है। बेकन ने निरीक्षण को प्रथम और महत्वपूर्ण सोपान माना है। आगमन का निरीक्षण साधारण निरीक्षण से सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि आगमन का निरीक्षण उद्देश्यपूर्ण होता है। आगमन में निरीक्षण विश्लेषण स्थितियों की विविधता एवं निराकरण पर निर्भर करता है। विश्लेषण से घटना के यथार्थ कारण का पता चलता है। घटना को अनेक वस्तुओं, स्थान तथा काल से जोड़कर उसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण के द्वारा घटना के आवश्यक तथा अनावश्यक वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। किसी भी निरीक्षित घटना का विश्लेषण दो प्रकार से किया जाता है। पहला, मानसिक विश्लेषण। दूसरा, शारीरिक विश्लेषण। निरीक्षण के लिए यह जानना आवश्यक है कि किसी वस्तु या घटना को एक ही अवस्था में नहीं देखकर विभिन्न परिस्थितियों में उसे देखा जाए। यथा हैजे के कारण का पता लगाने के लिए इस रोग से पीड़ित रोगियों को विभिन्न परिस्थितियों में देखा जाता है। किसी घटना के कारण का पता लगाने के लिए निराकरण भी आवश्यक है। निराकरण का अर्थ है अनावश्यक, अप्रासंगिक एवं आकस्मिक बातों को छांटना, अस्वीकार करना या बहिष्कृत करना।
कल्पना का निर्माण। यह आगमन विधि का तीसरा सोपान है। मानव प्राणी किसी भी घटना के सभी कारणों को नहीं जान सकता है। घटना के निरीक्षण के बाद उस घटना के कारण के रूप में हम अंदाज करते हैं या अटकलबाजी करते हैं तथा यह सोचते हैं कि शायद यही अंदाज उस घटना का कारण हो। यथा हैजे के कारण के रूप में हम कल्पना करते हैं कि किसी कीटाणु विशेष के काटने से यह रोग होता है। यथार्थ कारण का पता लगाने के लिए भी भिन्न भिन्न अटकल हम करते हैं। वही कल्पना है। कल्पना से ही यही सही कारण का पता लग पाता है। हेवेल ने कल्पना को आगमन का प्रमुख सोपान के रूप में स्वीकार किया है। चौथा सामान्यीकरण, यह आगमन का चौथा सोपान है। सामान्यीकरण के द्वारा यह मान लिया जाता है कि जिस कल्पना का प्रयोग उस वस्तु या घटना की व्याख्या के लिए किया जाता है वही कल्पना समान परिस्थित रहने पर भविष्य में भी होने वाली समान घटनाओं पर लागू होगी। कुछ परिस्थितियों में हमने देखा है कि एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है, तब इसके आधार पर यह सामान्यीकरण किया जाता है कि जहाँ कहीं भी एनोफ्लीज मच्छर होगा वहाँ मलेरिया बीमारी होगी। आगमन का उद्देश्य सामान्य तर्क वाक्य या नियम की स्थापना करना है। इसी कारण सामान्यीकरण की आवश्यकता होती है। मिल के अनुसार सामान्यीकरण के साथ ही आगमन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। परीक्षण, पांचवा परीक्षण। परीक्षण आगमन का पांचवा सोपान है। परीक्षण को प्रमाणीकरण के नाम से जाना जाता है। किसी वस्तु या घटना के संबंध में कल्पित कारण को यथार्थ और विश्वसनीय बनाने के लिए घटना विशेष में उसका परीक्षण किया जाता है। सामान्यीकरण से प्राप्त कारण कल्पित होता है। उस कल्पित कारण की सत्ता प्रमाणित होने के बाद ही वह वास्तविक हो पाता है। प्रमाणीकरण से सामान्य तर्क वाक्य नियम में परिवर्तित हो जाता है। फॉलर ने कहा है, परीक्षण कोई अलग उत्पत्ति नहीं है, बल्कि इससे हम एक उत्पत्ति की पुष्टि दूसरी उत्पत्ति से करते हैं। जेविंस ने परीक्षण को अनुमान का मुख्य सोपान स्वीकार किया है। परीक्षण के दो प्रकार होते हैं, पहला साक्षात परीक्षण, दूसरा असाक्षात परीक्षण। साक्षात परीक्षण में कल्पित कारण से कार्य को सामने रखकर प्रत्यक्ष रूप दिखाते हैं। यदि किसी आदमी को एनोफ्लीज मच्छर के काटने या उसको कटवाकर देखते हैं तो उसे मलेरिया हो जाता है, तब यह साक्षात परीक्षण कहलाता है। असाक्षात परीक्षण, सर्वप्रथम सामान्य तर्क वाक्यों को सत्य मान लिया जाता है, तब उसके द्वारा संभावित निष्कर्ष की परीक्षा की जाती है। यदि इससे सामान्य तर्क वाक्य की सत्यता प्रमाणित हो जाती है तब वह नियम का रूप ग्रहण कर लेता है, तथा यदि वह वास्तविकता से मेल नहीं खाता है तब उस कल्पित कारण को छोड़कर अन्य कल्पना का सहारा लेते हैं। आगमनात्मक विधि के रूप में सभी सोपान समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। सबों के सम्मिलित योग से ही सामान्य नियम की स्थापना की जाती है। धन्यवादम।